यार मैं काफी छोटी गाड़ियां पे हूँ, सेडान गाड़ियों पे, बट ये किया स्पोर्टेज टाइप जो क्रॉस ओवर होती है इस टाइप की गाड़ी पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। और मैं जब कल हमने एंजॉय किया, पीछे हमने बेड बना दिया था, पूरा कंप्लीट बेड है पीछे। रुकिए तो नाश्ता वाला करेंगे, सुबह होती है तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से। भैया बहुत ज़्यादा ठंडा यार, बहुत ज़्यादा। हमने रिस्क उठाया यार, हम यहाँ पर रुके थे गाड़ी के अंदर ही, हम कंबल वगैरह लेके आए थे। तो ये हमारी गाड़ी, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं थोड़ी देर तक, फिर निकलेंगे ऐसे दिन हो रहा है। ये अंदर फुल टाइम माहौल बना हुआ मिनट। अभी हम पहुंचे हैं दुनियापुर, और मेरे ख्याल से कोई हम निकले हुए हैं कोई 4-4:30 बजे के निकले हुए हैं। हम लुधियाना के रुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद वाली धुंध थी, मतलब विजिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी हुई थी। फिर हम वहाँ पे नमाज़ पढ़ी, लुधियाना में नाश्ता किया, एक पराठा, दो पराठे, दो चाय, और हमारे किया स्पोर्टेज लग्जरी क्लास में दो क्लासें, एक लग्जरी प्रीमियम क्लास पार्लर क्लास जिसमें मैं बैठा हूँ, और एक और क्लास है स्लीपर क्लास, वो है ये पीछे। पूरा माहौल है भाई यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको वॉशरूम के अलावा हर चीज़ मिलेगी, मतलब बेड है, सामान रखने की जगह है, एयर कंडीशनड, और कंबल भी आपको अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब इतनी अच्छी सर्विस यहाँ पे मिल रही है आपको। ये स्पोर्टेज जिंदाबाद। अभी हम चल रहे हैं, मज़ेदार सा सफ़र हो रहा है, धुंध बहुत ज़्यादा कम हो गई है और सुकून से चल रहे हैं। ये देखें फुल टाइम इजी माहौल है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी का एक फ़ायदा होता है कि वहाँ पे एक पाँव आपका यूज़ होता है, फिर एक पाँव से आप खेल खुल सकते हैं, मतलब फुटबॉल वगैरह तो नहीं, मतलब वैसे ही अगर बोर हो रहे हैं तो ऊपर कर लें, पाँव नीचे कर लें, मतलब वैसे मतलब मज़ा आ रहा है राइड का, मतलब फील हो रहा है कि यार लग्जरी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ मैं। ये मज़ा आ रहा है, यहाँ पर कैमरा वगैरह पड़ा हुआ है, सामने धुंध है और ये हम ड्राइव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी जब धुंध में मैं चला रहा था, मतलब धुंध में इसकी फॉग लाइट्स एज़ कम्पेयर टू आफ्टर मार्केट से मिलती हैं, फॉग लाइट बड़ी पावरफुल उस टाइप की नहीं थी, मतलब गुजारा हो रहा था। तो फिर हमने कहा रिस्क नहीं लिया, हमने कहा यार जाना तो है ही है, क्योंकि मोटरवे वगैरह हमने 130 पे कॉल करके पूछ ली थी कि उन्होंने कहा मोटरवे अभी तक बंद है। तो मैंने एक दोस्त, कल मोहित भाई गए इस्लामाबाद मरी और ये मालम जबल साइड पर, तो उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था यार हम वो शायद 11 बजे शायद वो शोरकोट से चढ़े थे मोटरवे के ऊपर, तो हम भी फिर हमने कहा चले फिर यहाँ पे सुकून कर लेते हैं। फिर हम तकरीबन 8:45 पे रवाना हुए, तो अब माशाल्लाह बेहतरीन रोड मिल चुका हुआ है हमें। हे हे, देखें सर सो रहे हैं, सुकून कर रहे हैं, फुल टाइम इजी माहौल है। अगर आप 6 फुट तक के बंदे हैं, 6 फुट अगर आप 6 फुट तक के बंदे हैं, इंसान हैं, तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब एक ये स्पोर्टेज इज बेस्ट फॉर यू। आपको कोई अकोमोडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी पंप वगैरह के बाहर आप गाड़ी खड़ी करें, नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें, वॉशरूम जाएं, फिर आगे इधर सो जाएं, मतलब कंबल शंबल ये वो डबल बेड वाला सीन बना हुआ है। सफ़र हो रहा है हमारा किया स्पोर्टेज पे बाहुलपुर साउथ पंजाब से कैपिटल इस्लामाबाद। भाई इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर, हम बेरा इंटरचेंज पे रुके और हमने कहा कुछ खा पी लेते हैं, पहले हार्डिस गए, वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, फिर हम KFC गए, यहाँ पे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, ठंडी चीज़ दे रहे थे बट मजबूरी थी, भूख लगी थी क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था हमने लुधियाना से। और अभी क्या टाइम बज रहा है मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ, मतलब अभी मुझे मेरे ख्याल से क्या बज चुका होगा मैं बताता हूँ आपको फ़ोन से, 2:09 हो चुके हुए हैं और खाना कुछ नहीं खाया हुआ था, सुबह नाश्ता किया था, एक चाय और एक पराठा खाया हुआ था। तो अभी हम यहाँ पे भेरा रुके हुए हैं, कहाँ से बंद होगा,
भैया रुके हैं, यहाँ से हमने ले ली है KFC, खा लिया भाई फास्ट फूड। फास्ट फूड के बहुत बहुत फ़ायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा, एक पिक्चर आप ये देख लें। और बस अब हम असल में हमारे जो फ़ोन है उनकी केबल ख़राब हो गई थी, तो अब सर गए हुए हैं, वो केबल लेंगे, केबल हम लगाएंगे अपने फ़ोन के साथ, फ़ोन वगैरह चार्ज करेंगे और निकलेंगे आज इस्लामाबाद। भाई छुट्टियाँ बहुत हुई हैं, इतना रश आज तक मैंने जो सफ़र किया है, मतलब इतना रश मैंने कभी नहीं देखा, बहुत ज़्यादा रश था भाई, हैवी रश, जगह ही नहीं मिल रही भाई गाड़ी खड़ी करने की। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, ये पैमरा, ये है कश्मीर हाईवे, मोटरवे को जा रहे हैं हम। कल हम आ चुके थे इस्लामाबाद, जो काम था ज़रूरी हमने ऑफिस के काम निपटा लिए, अब हम चल रहे हैं वापस। मेरे ख्याल से व्लॉग बनेगा या नहीं बनेगा, बट कल मैंने आते वक्त जो मेमोरीज इकट्ठी की हैं वो मैंने मतलब मज़ा आया मुझे टूर का, राइड का, और एक फील आई है। एक मिनट, मुझे लगता है पुलिस अंकल, पुलिस खड़े, ये खड़े, ये यार ये है, जब हम मैंने सिविक पे आया हूँ, सिटी पे आया हूँ, महरान पे नहीं आए, कल्टस पे आए, लाहौर तक आए। हाँ यार, मैं काफ़ी छोटी गाड़ियों पे आया हूँ, सिडान गाड़ियों पे, बट ये किया स्पोर्टेज टाइप जो क्रॉस ओवर होती हैं, इस टाइप की गाड़ी पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। और मैं जब कल हमने इंजॉय किया, पीछे हमने बेड बना दिया था, पूरा कंप्लीट बेड है पीछे, आगे दो सीटें पड़ी हुई हैं, और जब मूड होता है सोने का तो अब हम पीछे सो जाते हैं। एनीवेज, सुबह सुबह के टाइम रश नहीं है, तो मेरे ख्याल से हम टाइमली पहुँच जाएंगे। आई होप के मोटरवेज वगैरह ओपन हो, कल लकीली हमें मोटरवेज ओपन मिल गई थी, तो हम आगे थे सुकून से, मतलब हमने सफ़र सुकून से किया, इंजॉय किया सुकून से। अगर भगाएं तो वो मज़ा नहीं आता, थ्रिल आती है सारी। तो कल हमने एक एक्सीडेंट देखा, बहुत ही बुरी वैगन आर, मतलब फटी पड़ी थी, तबाही हुई थी मोटरवे के अंदर, कोई कुछ ना कुछ गलती शायद की हो, शायद हादसा हो गया हो। एनीवेज, अब हम चल रहे हैं वापस। ये था इस्लामाबाद आना जाना, जाने का प्लान, जाने का व्लॉग शायद अगर बनाया तो आपको दिखा देंगे। अगर आपको ऑडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हाफिज़, कमेंट लाजमी कीजिएगा।